हेलो बेटा, गुड इवनिंग। तो को मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है और स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो यस बोलो। गुड इवनिंग सर। यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास में पीरियाडिक प्रॉपर्टीज हो रहा था और मैंने एटॉमिक रेडियस बता दिया था कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होते हैं। तो तीन टाइप का एटॉमिक रेडियस था। एक तो था कोवेलेंट रेडियस, दूसरा था मेटेलिक रेडियस और थर्ड था वांडरवाल रेडियस। और इन तीनों का जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप भी बताया गया था कि कौन ज़्यादा बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, है ना। तो ये लास्ट क्लास में कल पढ़ाया गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग पीरियडिसिटी कि किस तरह से अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे या लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, उससे पहले आते बेटा कुछ क्वेश्चन जो डीपीपी दिया गया था। डीपीपी में कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ डाउट्स हैं, उस डाउट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो डीपीपी में तुम यस लोग पूछो बेटा कि किस डीपीपी में डाउट है। डीपीपी नंबर बता सकते हो तो बता देना, या फिर मैं पूछ रहा हूँ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ए में या बी में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ए या बी, इसमें डाउट है बेटा। एम ए में है, ठीक है। तो ए में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछो कौन से, किस क्वेश्चन में डाउट है। ये मैं क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ, किस क्वेश्चन में डाउट है बेटा। क्वेश्चन नंबर बोल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12, सर 12 8 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बाद तुम लोग पढ़ लो बेटा, क्या क्वेश्चन यही है या कोई दूसरा है। नहीं नहीं सर, ये वाले डीपीपी तो क्वेश्चन बता तो यही दिया है ना। आपने, हो गए थे ये वाले, वो दूसरी है सर। अच्छा ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 और था। किसी कोई डाउट है इस डीपीपी में। ये ए है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट डीपीपी है उसमें किसी कोई डाउट है, फर्स्ट डीपीपी में तो पूछ सकते हो। सब क्वेश्चन नहीं नंबर डाउट, 12 ठीक है। आदेश क्या बेटा, डाउट है। क्वेश्चन नंबर 12 2A क्वेश्चन में। नंबर 12 ए, क्वेश्चन नंबर 12। ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 यही क्वेश्चन है बेटा। ये बात तुम लोग पढ़ो, क्वेश्चन तो यही है ना। नहीं सर, ये वाला तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में यही है बेटा, तो अगली डीपीपी के ही होंगे यही फिर। क्वेश्चन नेक्स्ट डीपीपी का। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, नेक्स्ट डीपीपी में ओपन कर रहा हूँ। तो ये मैं बी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट बी, ओके, सेकंड बी। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 सर यस, मेरे को इसमें फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं। मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। एक फिर आगे मैं बढ़ूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d6। ओके, तो इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया गया बेटा। देखो Ar मतलब कि अक्सर इस तरह से लिखा गया है Ar, है ना। इसका मतलब कि ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम यहाँ लिखोगे, उसके बाद 3d6 है, ठीक है। तो ऑर्गन क्या होगा बेटा, ऑर्गन मतलब 18 हो गया है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो ये हो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट Ar, ठीक है। इसका मतलब ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर उसके बाद क्या बेटा, 3d6 है। उसके बाद क्या बेटा, 3d6, ठीक है। तो ये अगर टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब तुम्हें यहाँ बताना है देखकर कि कहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो तुम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। तो ये यहाँ तक ऑर्गन हो गया तुम्हारा 18, 18 प्लस 6 कितना हो गया बेटा, 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन किस में होगा, निकिल 3 प्लस में,
कितना होगा बेटा, निखिल थ्री निखिल का 28 होता, 28 माइनस 3 हो जाएगा 25, ये तो नहीं हो गया। एमन के लिए देखो यहाँ पर एमन 3 प्लस लिखा हुआ है, एमन को होता है 25 माइनस 3 हो गया यहाँ पर 22, तो ये भी नहीं होगा। एफ पी 3 प्लस देख लेते हैं, एफ पी 3 प्लस तो एफ पी का होता है 26, 3 प्लस है मतलब माइनस 3 कर दोगे तो 23 होगा, ये भी नहीं होगा। कोबाल्ट 3 प्लस लिखा हुआ है, कोबाल्ट 27 होता है, 27 माइनस 3 करोगे तो क्या जाएगा बेटा 24, ये 24 आ गया कोबाल्ट 3 प्लस का, तो इसका मतलब जो आंसर है वो जो है कोबाल्ट 3 प्लस डी पार्ट। ठीक है बेटा, यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 3, और किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following will have magnetic moment about 4.9 bm? Magnetic moment 4.9 Bohr magneton बोल रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर सबका magnetic moment निकालो। अच्छा ये magnetic moment अभी नहीं बताएगा formula ने तुम लोगों को? No sir। Okay। तो मैं बता देता हूँ इसका formula। Actually ये जो formula है chemical bonding बताया जाएगा, तो पहले देख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो तुम लोग अलग अलग टाइप के मोमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है? ये तो था बेटा ऑर्बिटल मोमेंट, एक था ऑर्बिट मोमेंट, है ना? तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बेटा, अंडर रूट एल एल प्लस वन बोर मैग्नेटॉन था ना, सॉरी एल एल प्लस वन एच कट बाई टू पाई था ना बेटा, ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये पढ़ा था तुमने, बताया गया था, मैंने बताया था मैंने ना बेटा क्वांटम नंबर्स में, है ना? ये कितना था, स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस वन एच बाई टू पाई, ठीक है? उसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है? तो नॉर्मली जो है मैग्नेटिक मोमेंट लिखा रहेगा या फिर स्पिन मोमेंट लिखा रहेगा, ठीक है? स्पिन मोमेंट, तो या तो स्पिन मोमेंट लिखा रहेगा या तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखा रहेगा। तो अगर ये दोनों लिखा गया तो इसके लिए फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, बीएम यहां पर लिखोगे, देखो यहां पर एच बाई टू पाई था, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करो, बीएम, यहां पर जो यूनिट है बीएम यूनिट होगा, ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा, बोर मैग्नेटॉन होता है यूनिट। तो यहां पर n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो n क्या है यहां पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर n का वैल्यू 1 है, n वैल्यू यहां 1 रखोगे 1 प्लस 2 हो जाएगा रूट 3, 1.73 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया तो 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो जाएगा बोर मैग्नेटॉन, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ 8, इस तरह से n का वैल्यू 3 रखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है बेटा? तो इस फॉर्मूले को रख कर तुम निकाल लोगे कहां पर बोर मैग्नेट जो वैल्यू है यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का 4.9 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन होगा सी पार्ट। तो सी पार्ट में कर दे रहा हूं यहां पर, जो सी उसको मैं दिखा दे रहा हूं, तो एक बार मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख रहा हूं। तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, ठीक है? एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब लोग बेटा नोट कर लेंगे इसको, ठीक है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल है आयरन 2 प्लस, ठीक है? आयरन 2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आयरन को होता है 26, दो इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया, एनएच कर दिया, तो 26 माइनस 2 मतलब 24, है ना? तो पहले यहां पर दो इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन में से तुम 26 इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, ओके? तो यहां देख लेते हैं, तो आयरन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D6, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। ओके, अब दो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से निकालोगे बेटा, किस ऑर्बिटल से निकालोगे बताओ? 4s2, ये वाला जो दो इलेक्ट्रॉन है, हाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, ठीक है, ये निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये हो जाएगा 3d6, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3d6। अब देखोगे ये जो ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ तक वो कम्प्लीटली फिल्ड है ना, यहाँ पर देखोगे कि s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, जब भी दो इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसे होगा बेटा, एक अप होगा इस तरह से, दूसरा डाउन, मतलब पेयर्ड होगा, है ना, उसी तरह से जितने भी ऑर्बिटल है यहाँ पर, तो ये फर्स्ट 1s हो गया, ये तो देखोगे 2s हो गया, ये 2p हो गया, ये 3s हो गया, ये 3p6 है ना यहाँ पर, और ये d वाला है, d वाला में बना दे रहा हूँ इस तरह से, 1 2 3 4 5। अब मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिलअप कर रहा हूँ, तो 1s में दो इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये 2s है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन रख दिया, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, अब पेयरिंग होगा 4 5 6, ठीक है, 3s2 में, 3s में दो इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह जाओगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा, उस सब के सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड ढंग काम का नहीं, मेरे जो अनपेयर्ड रिटर्न उसी को काउंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आ जाओ यहाँ पर 3D में, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पर 3D, ये 3D में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड रिटर्न काउंट करो, ठीक है, जब काउंट करोगे तो कितना आ रहा है, मैं काउंट कर बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है, तो टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 है तो फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पर, जो फॉर्मूला है यहाँ पर, है ना, इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट किया था, म्यू, ठीक है, तो मैं इसको म्यू लिख दे रहा हूँ, म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n n+2 बोर मैग्नेटॉन, रखो यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 4+2 बोर मैग्नेटॉन कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 24, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन स्क्वायर रूट ऑफ 24 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 24 है ना, देखो 4.89 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 24 हो जाएगा 4.89, तो आंसर दिया गया यहाँ पर 4.89, इसका मतलब जो आंसर डी है, डी पार्ट करेक्ट पार्ट है, ठीक है, आंसर होगा डी पार्ट, तो नोट कर लो ये, मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ साइज, है ना, पूरा आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट कर लेना, दूसरा क्वेश्चन पूछो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर सेवन दिया गया, विच आर द फॉलोइंग स्पेसिज विद देयर करेस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बेटा, ये तो बता दिया गया है ना, कॉपर का, कॉपर 2+ का, जिंक 2+ का, क्रोमियम 3+ का, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या इसमें बेटा, सेवंथ में मेरे को आया, अगर प्रॉब्लम बताओ क्या बेटा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं एक बार वो देखो, चलो मैं दो का कर देता हूँ, ठीक है, कॉपर का कर देता हूँ, और किस का करूँ, क्रोमियम का, ए और डी में कर दे रहा हूँ, ठीक है, ए और डी को कर दे रहा हूँ, ये तो बहुत आसान है, सिर्फ उसको नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता है मेरे को, ये जो साइड में दे रखे है ना, ये मेरे को थोड़ा, क्या साइड में, 1s2 2s2, यस सर,
वही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। सर मेरे को ऐसा लग रहा है ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, बाकी वो तो हो गए इसमें जैसे चलो फर्स्ट। ठीक है, एक मिनट मैं दो का कर देता हूँ, ठीक है सी यू कर देता हूँ मैं। सी यू का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, ये होता है 29। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा बेटा सी यू, जो कॉपर है ना, मैंने यस बताया था कॉपर केस में एक्सेप्शन होता है, ठीक है तो एक्सेप्शन वाला केस है। चलते हैं यहाँ पर, तो 29 है, बोलोगे 1s2 होगा, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, ठीक है 3p6, उसके बाद क्या लिखूं बेटा 4s1, ठीक है 3d10, 3d10 है ना। यस तो अब ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो थर्ड में आ रहा है कि नहीं, तो थर्ड में है ये वाला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 है कि नहीं यहाँ पर देखो, है कि नहीं। यस सर, जो थर्ड पार्ट है इसका मतलब जो कॉपर है ये मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन से, तो ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड ये हो गया बी में और डी में, ठीक है ए का थर्ड हो गया बी और डी में। तो एक और चेक कर लेते हैं यहाँ पर, एक और चेक करते हैं यहाँ पर डी पार्ट, ठीक है क्रोमियम, क्रोमियम चेक करते हैं यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्रोमियम 3+, पहले तुम क्रोमियम का निकालोगे उसके बाद 3+ का निकालोगे, ठीक है तो क्रोमियम होता है 24। एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पर भी होगा क्रोमियम का, ठीक है याद रखना, ये भी एक्सेप्शन वाला केस है क्रोमियम। तो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, ठीक है। तीन इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एक तो s में से निकल जाएगा, दो d में से निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब जहां पर 4s1 है वहां पर 4s0 हो जाएगा, इसको इग्नोर कर दोगे 3d में से। हाँ तो ये मैच हो जाएगा तुरंत ही, है ना सर, वो मैंने सर एस पालन में। तो इस तरह से थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना होगा तुम लोगों को, जरूरी नहीं कि सबको तुम्हें मैच ही कराना है, ठीक है। तुम्हें लगे जहां पर टाई ब्रेक हो जाए बस वहीं पर रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद थर्ड सेल विल बी, ठीक है थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड सेल, ठीक है थर्ड सेल ऑर्बिटल कितना होगा बेटा, मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू एन स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर तुम्हें ऑर्बिट नंबर मालूम है, सेल नंबर मालूम है, तो एन स्क्वायर पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाएगा, तो थर्ड सेल तो 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया, आंसर हो जाएगा 9। ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखवाया हूं मैं, ठीक है जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े थे वहां पर एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यस सर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा यहां पर n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 15, 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द 19th इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, क्रोमियम का 19th इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बाय चांस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक काम से लिखा हुआ था, ये काम में आ जाएगा, तो मैं ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना उसको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन है 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, तो ये देखो 1, 2, 3, 4 यहाँ तक हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 10 रिटर्न के बाद ये कहां से कहां तक जाएगा बेटा, यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहां से लेकर यहां तक कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ये 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 20 नहीं होगा, ये 18 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो 10 + 8 18 हो गया, यहां से लेकर यहां तक टोटल रिटर्न कितना हो गया बेटा 18। 19th इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ जा रहा है बेटा, जो 19वां इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में गया, देखो 4s1 में गया ना, yes, ये तो आ रहा है यहाँ पर 4s1, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 होगा, देखो जो कोएफिशिएंट होता है 4, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है बेटा ये s है ना, तो यहाँ पर l क्या होगा, l इज इक्वल टू एस ऑर्बिटल के लिए क्या होता है 0 होता है बेटा, है ना 0,
ठीक है। और अगर एल जीरो है तो एम क्या होगा, एम भी जीरो होगा, ठीक है। यस सर। और एम एस क्या होगा बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, प्लस या फिर माइनस वन बाई टू, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई चॉइस नहीं है, इसमें बस ये तीनों तुम मैच कराओगे, ठीक है। वन टू थ्री, तो फोर जीरो जीरो देखो कहाँ पर, किस ऑप्शन में है, फोर जीरो जीरो ए ऑप्शन में है, ठीक है। तो फोर जीरो जीरो ऑप्शन, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 19 लास्ट है, 19 इसको रिफ्रेश कर रहा हूं मैं एक बार। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। दिस मोमेंटम फॉर एस इलेक्ट्रॉन विल बी गिवेन। तो एस इलेक्ट्रॉन मतलब एस ऑर्बिटल क्या होगा यहाँ पर बताओ बेटा, एस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, एस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में है, और एस ऑर्बिटल के लिए एल क्या होगा बताओ दो मुझे, एल क्या होगा, जीरो जीरो, ठीक है। फॉर्मूला में जीरो रखो, फॉर्मूला में जीरो रखोगे तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे सब सब जीरो हो जाएंगे। देखो जीरो मल्टीप्लाइड बाई जीरो प्लस वन, जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब पूरा पूरा जीरो, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। तो ए पार्ट यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ओके। और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और किसी कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में? नो सर। ओके, तो तुम लोगों का इस वीक टेस्ट होने वाला है, पता है ना? Yes, इस वीक होने वाला है या नेक्स्ट वीक होने वाला, मुझे नहीं मालूम, इसी वीक होगा ना? यस यस। हाँ, तो सिलेबस तुम लोग मालूम है क्या आएगा सर, बता दीजिए। सिलेबस तो मैं भी भूल गया हूँ, देखना पड़ेगा मुझे सिलेबस क्या है। तो सिलेबस यहाँ पर पीरियडिक प्रॉपर्टी शायद नहीं आएगा, ठीक है, जो पीरियडिक प्रॉपर्टी है वो नहीं आएगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, तो पीरियडिक प्रॉपर्टी तो नहीं आएगा, पीरियडिक प्रॉपर्टी नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, क्वांटम नंबर वगैरह सब है ना, ये सब पूछा जाएगा, पूरे जो क्वांटम नंबर्स है, मतलब कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, ये सब पूछा जाएगा। तो बोर्स थ्योरी से लेकर, बोर्स थ्योरी से लेकर पूरा पूरा लास्ट तक आएगा, ठीक है। फ्रॉम बोर्स थ्योरी, बोर एटॉमिक थ्योरी, बोर थ्योरी बताया मैंने ना, बोर्स के बाद पूरा का पूरा लास्ट तक, ठीक है, यहां तक पूछा जाएगा, बोर के बाद लास्ट तक पूरा, ठीक है, नोट कर लो। बोर के पहले जो पूछ चुका हूं, जैसे रदरफोर्ड मॉडल ऐसा पूछा जा चुका है, तो रदरफोर्ड मॉडल नहीं आएगा, ठीक है, प्लैंक्स थ्योरी नहीं आएगा। बोर मॉडल के बाद जो मैंने पढ़ाया था, है ना, लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था मैंने, है ना, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, फिर उसके बाद मैंने बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बताया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया था, क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, ये सब मैंने बताया था। तो ये सब पूछा जाएगा, ये सब पढ़ लेना अच्छे से बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भरना जो भी है सब देख लेना, सीख लेना, ओके। तो लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है बेटा, नहीं है ना? जल्दी पूछो बेटा। सर पूछो। सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो ग्रुप नंबर है ना, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो जो एन ऑर्बिटल है ना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट प्लस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी ऑर्बिटल, ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन सब काउंट करोगे, उसके अंदर वाला जो सेल है उसमें से केवल डी इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, बाहर वाला पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यस सर। बाहर वाला जो सेल है उसमें की कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर का जो सेल है ये हो गया तुम्हारा nth सेल, n माइनस वन उसके अंदर का सेल हो गया, उसके अंदर के सेल में जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल का टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो, ठीक है, तो वो जाएगा ग्रुप नंबर, ठीक है? एग्जांपल देना जरूरी है बेटा, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया था। नहीं सर, बस लास्ट आउटर मोस्ट हो गया फोर वाला। ओके, और कोई प्रॉब्लम है किसी को? और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो सर। एक बार डाउट नहीं है, चलते हैं। एक बार दोबारा बता दूं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तुम लोगों को लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, ग्रुप ब्लॉक ग्रुप में प्रॉब्लम हो रहा है। तो पीरियड तुम लोग निकाल लोगे? पीरियड किस पीरियड में कौन सा एलिमेंट है निकाल लोगे? यस सर। हाँ, तो ग्रुप देखो, ग्रुप कैसे निकालोगे? ग्रुप के लिए मैंने क्या बताया था, है ना, कि तुम्हें देखना पड़ेगा कौन सा ब्लॉक है, एस पी डी एफ कौन सा ब्लॉक है। पहले तुम फिक्स करोगे वहां पर ब्लॉक नंबर, ठीक है? एक बार ब्लॉक में मालूम चल गया, फिर उसके बाद हर एक ब्लॉक पर जाओगे। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो ये वाला प्रॉब्लम लगेगा, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट तो ये वाला प्रॉब्लम लगेगा, अगर सी डी ब्लॉक है तो ये वाला, और एफ ब्लॉक के लिए फिक्स है यहाँ पर थर्ड बी, उसको याद कर लोगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए थर्ड या थ्री बी। तो अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो nth ऑर्बिट है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करो, वो जाएगा ग्रुप नंबर, ठीक है? जैसे अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखाना हो, है ना, कोई एलिमेंट यहाँ दिया गया है, दिया गया उसका इलेक्ट्रॉन 2 8 2 दिया गया, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और ये एस ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 2 आ गया, ठीक है, इसका मतलब ग्रुप क्या होगा, सेकंड ग्रुप हो गया, ठीक है? इस तरह से निकालेंगे सेकंड, देखो पी ऑर्बिटल, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट आ गया, अगर जो तुम्हारा ब्लॉक है वो पी ब्लॉक आ गया, तो पी ब्लॉक के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर पी ब्लॉक है तो फॉर्मूला चेंज हो गया, ठीक है? जो एनएथ ऑर्बिट है, एनएथ ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे उसमें 10 ऐड कर देना है, ठीक है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल प्लस 10, इसमें 10 ऐड कर दो, ठीक है? जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ गया, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, 10 + 5 = 15 आ जाएगा, ठीक है? अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, तो 10 + 2 हो जाएगा 12, इस तरह तुम करोगे, ठीक है? अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ गया, 3 + 10 कितना 13 हो जाएगा, ओके? समझ में आ रहा है बेटा, इस तरह से निकालोगे। ये पी ब्लॉक के लिए है, थोड़ा सा ट्रिकी है डी ब्लॉक वाला, ठीक है? डी ब्लॉक ऐसे बदलने में तुरंत कुछ देर पहले बताया था, तो डी ब्लॉक में तुम 2 ऑर्बिट देखोगे, एक तो गया वैलेंस वाला और उसके जस्ट अंदर वाला, तो वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन सबको काउंट करोगे, वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन तुमने काउंट कर लिया, प्लस इसके अंदर वाला जो एन माइनस वन सेल है इसमें डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, डी वाला इलेक्ट्रॉन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर डी वाले से क्या मतलब है? रूल है बेटा, रूल देखो, यहाँ पर डी वाला मतलब, देखो मैं एग्जाम्पल ही पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल बता देता हूँ, तुम समझ में आ जाएगा। पहले फॉर्मूला तो ध्यान से देखो, ठीक है? फॉर्मूला तो समझ में आ गया, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक एलिमेंट का, और ये एलिमेंट है एटॉमिक नंबर यहाँ पर दिया गया है 27, जेड इज इक्वल 27 दिया गया है, ठीक है? तो 27 दे दिया गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन पहले लिख डालते हैं, तो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, ठीक है? तो टोटल नंबर तुम इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे यहाँ पर 27 आएगा, ये 27 आ गया। तो अब यहाँ तुम्हें बताना है कि ब्लॉक कौन सा है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में गया बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गया है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो डी ब्लॉक हो गया, इसका मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे,
फॉर्मूला कौन सा यूज होगा बेटा यहाँ पर? डी ब्लॉक वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, डी ब्लॉक वाला। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा nth इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस n माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन। तो nth सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, देखो फोर वाला केवल यही है, ठीक है, nth ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस n माइनस वन, n माइनस वन में देखोगे यहाँ पर थ्री, n माइनस वन कितना होगा, फोर माइनस वन इक्वल थ्री, थ्री में देखो p भी है d भी है, लेकिन p को काउंट नहीं करना है, उसको काउंट करोगे केवल d इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, d ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेवन, ठीक है, सेवन, तो टू प्लस सेवन कितना हो जाएगा, नाइन। तो ग्रुप नंबर क्या हो गया इस एलिमेंट का, नाइन, ठीक है, तो ये 27 वाला एलिमेंट है, इसका ग्रुप नंबर 9 आएगा। समझ में आ गया तुमको? यस सर आया। यस सर आया बेटा समझ में? ओके, तो यहाँ पर पीरियड कौन सा होगा, पीरियड बता दो मुझे, फोर्थ पीरियड एलिमेंट, जो फोर्थ पीरियड, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एन होता है ना, वही पीरियड है यहाँ पे, फोर्थ पीरियड होगा यहाँ पर। यस सर, इतना आसान है बेटा, हमें तुम्हें याद रखना है कि कौन सा ब्लॉक है और फॉर्मूला क्या हो उस ब्लॉक का। चलो आगे चलते हैं, अब तो किसी कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। सर ओके, आगे चलते हैं। तो आगे दिया गया है पीरियडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, ठीक है। जो पीरियडिसिटी है तो दो टाइप का पीरियडिसिटी होता है, एक होता है अलोंग द ग्रुप और एक होता है अलोंग द पीरियड, ठीक है। तो दोनों पीरियडिसिटी देखेंगे यहाँ पर, अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। तो यहाँ पे एक पहला दिया गया है अलोंग द पीरियड, तो अगर अलोंग द पीरियड जा रहे हो तो पीरियडिसिटी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो पीरियड बेटा, पीरियड टेबल तुमने देखा होगा, पीरियड टेबल अगर नहीं देखा मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, पीरियड टेबल देख लो, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड अगर जाते हो, अलोंग द पीरियड अगर मूव करते हो, ठीक है, अलोंग पीरियड मतलब यहां से लेफ्ट टू राइट, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हो गया, यहाँ पे साइड लेफ्ट हो गया बेटा, ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया राइट, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, जैसे तुम लिथियम से बेरिलियम जाओगे तो साइज डिक्रीज जाएगा, बेरिलियम देखो सेम ग्रुप में जाना है, सेम पीरियड में, ये सेकेंड पीरियड है बेटा, लिथियम बेरिलियम यहाँ पे जाओगे क्या होगा आगे, ठीक है, तो थ्री फोर फाइव यहाँ पर है, बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन। अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगा एटम का, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये दिया गया है लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, जो साइज है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज because the next electron fills in the same cell, so the atomic size decreases. तो जो atomic size है वो decrease होगा, क्यों, region है यहाँ पर, देखो देख लो, region दिया गया यहाँ पर कि जब तुम left to right जाते हो तो जो nuclear charge है वो increase होता है ना। तुम lithium से beryllium जाओगे तो atomic number 3 से 4 हो जाएगा, 4 से है ना, देखो 3 से 4 हुआ, 4 से 5, 6, 7, मतलब न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन ऐड होता जाएगा, लेकिन करिस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसी सेल में ऐड हो रहा है, जो आउटर मोस्ट सेल है उसी सेल में ऐड हो रहा है, मतलब कोई स्क्रीनिंग नहीं होगा यहाँ पर, जो स्क्रीनिंग होना चाहिए स्क्रीनिंग नहीं होगा, मतलब कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन ऐड हो रहा है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन ऐड होगा उससे क्या इंक्रीज होगा बेटा, जेप वैल्यू इंक्रीज जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, न्यूक्लियस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को, जेप फ्लो बेटा इंक्रीज होगा। तो तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस में, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो साइज डिक्रीज होगा कि नहीं होगा बेटा, बताओ। देखो यहाँ पर लिथियम का साइज 1.23 दिया गया है, 1.23 पिकोमीटर। तो अब यहाँ पर तुम आगे चलते चले जाओगे यहाँ पर, सर ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है, तो अगर तुम आगे बढ़ोगे
तो साइज देखोगे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, लिथियम का 1.23 है, बेरिलियम का 0.89, बोरान का 0.80 है ना, तो साइज डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा सबको? सबको yes, समझ में sir. आ रहा है बेटा? ओके तो याद रखो तुम्हें क्या याद रखना है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाओगे इसी पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज जो साइज है यानी हो गए डिक्रीजेस, ठीक है, बस याद रखना है साइज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। ओके आगे है अलोंग द ग्रुप, इन द ग्रुप, अगर सेम ग्रुप में तुम टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ठीक है, सेम ग्रुप देख रहे बेटा, ग्रुप देख लो, यहाँ पर मैंने ग्रुप लिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कोई भी ग्रुप ले लो, चाहे तुम फर्स्ट ग्रुप लो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, कोई भी ग्रुप ले लो, ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर मतलब टॉप, नीचे मतलब बॉटम, तो टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हो किसी भी ग्रुप में तो क्या होगा बेटा, साइज इंक्रीज होगा। देखो लिथियम का 1.23 है, सोडियम का बढ़ गया 1.57 हो गया, पोटेशियम का थोड़ा सा और बढ़ गया, रुबिडियम का और बढ़ गया, सीजियम का और बढ़ गया, मतलब जो साइज है तो साइज यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो साइज इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि न्यू सेल ऐड होता चला जाएगा। अगर तुम लिथियम से सोडियम में जाओगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है लिथियम का 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2-1 होगा यहाँ पर। अगर तुम सोडियम की बात करोगे, सोडियम तो सोडियम क्या होगा, 2-8-1 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर सेल, यहाँ पे केवल 2 सेल है, यहाँ पे कितना सेल होगा बेटा, 3 सेल हो गया। पोटेशियम जाओगे सेल और इंक्रीज जाएगा, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर सेल इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, अगर सेल इंक्रीज होगा तो साइज भी बढ़ जाएगा। तो याद रखो अगर किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर जाते हो तो जो साइज है साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर बोलो यस। हाँ बाकी लोग भी बोलो। इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस बेटा, जो इनर्ट गैसेस है उनका साइज अगर तुम देखोगे तो इनर्ट गैसेस का साइज सबसे बड़ा होता है अपने पीरियड में, क्योंकि इनर्ट गैस का जो रेडियस हम लोग मेजर करते हैं, इनर्ट गैस बेटा किसी कंपाउंड से कोई बॉन्ड बना पाएगा, जैसे हीलियम ले लिया तुमने, क्या हीलियम कोई कंपाउंड बनाता है, नहीं बनाता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, अगर बॉन्ड नहीं बनाएगा तो यहाँ पर कौन सा रेडियस मेजर करोगे, अगर कोई कंपाउंड कोई बॉन्ड नहीं बना पा रहा तो वहां पर वांडर वाल रेडियस मेजर करते हो ना, बोलो यस। कैसा रहा, सब बड़ी होती है। लास्ट क्लास मैंने बताया था गांधी जयंती में तुम लोग खूब गांधी जयंती मनाए हो, पतंग उड़ा उड़ा कर छत के ऊपर, बस पढ़ कर आया करो। तो यहाँ पर इनर्ट गैस कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो अगर कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रेडियस मेजर करोगे वंडर वाल रेडियस होगा, तो वंडर वाल रेडियस है, ठीक है, तो वंडर वाल रेडियस का जो है ना, जो वंडर वाल रेडियस तुम देखोगे कोलेंट रेडियस का साइज छोटा होगा, उससे बड़ा होता है बेटा मेटेलिक रेडियस, और सबसे बड़ा होता है वंडर वाल रेडियस, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इनर्ट गैसेस का साइज बड़ा होता है अपने ग्रुप में। सर पर कुछ एक्सेप्शन, आगे चलते हैं, यहाँ पे सबसे नहीं है, सबसे बता जाएगा रिस्पेक्टिव ग्रुप में, ठीक है, नहीं सर, अभी तो तुम लोग जनरल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, अभी इसमें कोई सबसे नहीं है, फिलहाल के लिए कोई सबसे पढ़ना नहीं है, कुछ इनर्ट गैसेस कंपाउंड बनाते हैं उसको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा, ठीक है सर। आगे चलते हैं, आगे आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, तुम लोग पढ़ना है आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे पोटेंशियल कहीं लिखा रहेगा, कई बार आयनाइजेशन एनर्जी लिखा रहता है, ठीक है, तो अब देखो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है मैंने इसके बारे में बता दिया था बोर्स थ्योरी में, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था कि नहीं बेटा बोर्स थ्योरी में, कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है
एटम से, इलेक्ट्रॉन को जब एटम से निकालोगे तो जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी तुम क्या बोलते हो, आनेसन एनर्जी। जब कोई एटम यहां पर दिया गया, एटम ए, ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, ठीक है, एटम्स, तुमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो एटम क्या हो जाएगा बेटा, कटानिक हो जाएगा ना, कटान बन जाएगा ना बेटा, एटम चार्ज हो यस जाएगा। सर, बोलो यस नो, कुछ तो बोलो, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तुम लोगों का, बोलो बेटा, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेकर पूछूंगा अभी। हाँ गर्वित बोलो, गर्वित माइक खराब है सर, सर कभी कभी चलता कभी कभी चलता ही नहीं। अच्छा, और अच्छा रहा बेटा, तुम बोला करो, है ना, मिलन आवाज नहीं था तुम्हारा बिल्कुल भी, मिलन शिवम आयुष यस नो मे बी, कुछ तो बोलो। यस सर, हाँ यस बोलो, नो बोलो, इतना ही बोलना तुम्हें, यस नो बोलो, ठीक है, बोलते रहना है माइक थोड़ा थोड़ा ऑन करके, बोलते रहना बीच बीच में, शिवम शिवम आयुष यस नो बोलो, शिवम यस बोलो, आयुष मैसेज करो, अगर तुम्हारा माइक नहीं चला तो मैसेज करो, मैसेज मैं पढ़ रहा हूं यहां पर। लक्ष्य जी मैं तो बोलता ही हूँ। ईशान, अलस्त बोलता है यस तो सर, मिलन, मिलन नहीं बोल रहा है, हाँ शिवम शिवम सर बोला है सर, शिवम मैंने बोला का, है सर। अच्छा पीयूष, आयुष से नीचे चलाया, यस आयुष सर, प्रियांशु इन सब का, हाँ तो आयुष प्रियांशु यस सर, ये लोग लगता है बस लॉग इन करके कुछ लोग सो गए हैं, चले गए हैं, कॉफी और चाय वगैरह पी रहे हैं या फिर मूवी चला रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बेटा कि यस सर, न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो कटायन बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को बोलते हैं आनेसन एनर्जी, है ना। जैसे यहां पर एक एटम दिया गया है, न्यूट्रल एटम है, और इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को तुम्हें निकालना है, जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो निकालने के लिए तुम्हें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, जितना तुम एनर्जी देते हो उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आई ए से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तुमने पढ़ा होगा बेटा, इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वोल्ट किसका यूनिट होता है बेटा, वोल्ट वोल्ट यूनिट होता है बेटा पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, याद है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिसिटी यस सर, फिजिक्स का, यस सर, पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, इसलिए इसको आयनेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है। देखो यहाँ लिखा है आयनेशन पोटेंशियल, ठीक है, तो आयनेशन पोटेंशियल मतलब क्या हुआ, आयनेशन एनर्जी हुआ, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सिनोनिम्स है, ठीक है, आयनेशन एनर्जी या फिर आयनेशन पोटेंशियल दोनों का मतलब एक ही है। अब इसका जो डेफिनेशन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जो डेफिनेशन यहाँ पर दिया है आयनेशन पोटेंशियल का वो तुम्हें याद रखना होगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया गया है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन एन एटम इन एन एलिमेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू प्रोड्यूस ए कटायन इज नोन एज आयनेशन एनर्जी ऑफ दैट एलिमेंट। तो काफी बड़ा सा इसका डेफिनेशन है, और जब तुम यही डेफिनेशन लिखोगे, एग्जैक्ट यही डेफिनेशन तुम लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, अगर कांट छाट कर अपनी तरफ से लिखोगे कुछ भी तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, उसी तरह से मार्क्स भी कट जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि जो एटम तुम्हारा है वो आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड मतलब कि गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम एटम की बात करोगे तो एटम हो सकता है कि यहाँ पर ग्रुप में एटम हो, एक एटम हो साथ दूसरा भी एटम हो, तीसरा भी एटम हो, है ना, तो इस तरह से अलग अलग जो एटम है यहाँ पर ग्रुपिंग में ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर आइसोलेटेड एटम हो, ठीक है, गैसियस स्टेट में होना चाहिए,
यहाँ पर जी लिखा हुआ है, जी मतलब क्या हुआ, गैसीय स्टेट में, जो एटम है वो गैसीय स्टेट में होना चाहिए, ठीक है, और न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल देखो यहाँ पर न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल होना चाहिए। जब तुम वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, तो जो एनर्जी यूटिलाइज होगा उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर तुमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला न्यूट्रल एटम में से, है ना, तो यहाँ पर जो एनर्जी लगेगा उसको तुम बोलोगे आई ई वन। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है बेटा, आई ई वन है, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आई ई वन। यहाँ पर वन का मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट, आई का मतलब आयोनाइजेशन, ई का मतलब एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि तुमने केवल एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इलेक्ट्रॉन वन बाई वन निकलता है, ठीक है, ऐसा नहीं तुमने एक साथ तीनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, ऐसा एक साथ तीनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकल, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब तुम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो जो एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलोगे बेटा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है अब, है ना, Ag प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन तुम यहां से निकालोगे, कटायन में से तुम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हो, ठीक है, अब देखो ये न्यूट्रल नहीं है, ये कटायन है, है ना, ए प्लस है। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पर जो एनर्जी यूटिलाइज होगा उसको तुम बोलोगे आई ई टू, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन तुम निकाल रहे हो, ठीक है। अब देखो ये ए टू प्लस बन गया, ए टू प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालो, इसका मतलब तुम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। जब तुम थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, हाँ, तो ये ए टू प्लस में से तुमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पर आ जाएगा आई थ्री या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, समझ में आ रहा बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन, हाँ, ओके। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये फर्स्ट पॉइंट वो क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी जनरली एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, सो इट इज आल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसको, तो फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया। थर्ड को देखो, आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम इज कॉल्ड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है बेटा, एक डाउट था, थर्ड पॉइंट, हाँ, तो तीनों समझ में आ गया। yes, क्या डाउट है बेटा पूछो। सर इसमें भी आपने कहा था कि वो गैसीय एटम से निकलेगा, तो सर पहले निकलने के बाद वो तो कैटायन बन गया, तो फिर उसमें से भी निकलता है। कैटायन भी देखो गैसीय सिस्टम है ना, गैसीय कैटायन है, ये सॉल्यूशन में नहीं है, कैटायन है ना, गैसीय स्टेट में ही है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या है बेटा, जब तुम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो वहां पर जो आयनाइजेशन एनर्जी वो आई ई वन है, एंड आई ई वन इज ऑलवेज स्मॉलर देन आई ई टू इज ऑलवेज स्मॉलर देन आई ई थ्री, मतलब कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे छोटा होता है, सेकंड उससे बड़ा होगा, थर्ड और बड़ा होगा, मतलब तुम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे और ज्यादा एनर्जी तुम्हें सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ये देखो क्यों, पहले तुमने न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, न्यूट्रल था कोई प्रॉब्लम नहीं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखो ये चार्ज्ड है ना, ए प्लस है, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना तुम्हें, न्यूट्रल तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब देखो ये चार्ज्ड है, चार्ज मतलब क्या बेटा, ये अनस्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए, है ना, ये खुद इलेक्ट्रॉन का भूखा है, और तुम यहां से इसी से इलेक्ट्रॉन मांग रहे हो, दे दो इलेक्ट्रॉन अपना, तो ये प्रॉब्लम होगा बेटा। तो अगर कटायन है तो कटायन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब यहां देखो जो आई ई थ्री है, जो ए टू प्लस है, ए टू प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हो,
पहले से ही बेटा डिफिकल्ट था, मोनोकटाइन से लेटर निकालना डिफिकल्ट था, अब डाइकटाइन हो गया, यहां से लेटर निकालना और डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले न्यूट्रल था बेटा, न्यूट्रल में से तुमने एक लेटर निकाल दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेटर निकलते ही कटाइन बन जाएगा, कटाइन से तुम लेटर निकालोगे है ना, तो डिफिकल्ट होगा। जब तुम थर्ड लेटर निकालोगे तो और भी डिफिकल्ट होगा, मतलब कि जितना ज्यादा तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑलवेज आई थ्री इज ग्रेटर देन आई टू, आई टू इज ग्रेटर देन आई ई वन। ओके बेटा, यस सर, इसे कोई डाउट पूछ सकते हो। आगे यहाँ दिया गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोटेंशियल, तो कौन कौन से फैक्टर है, ठीक है, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर है वो है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, जो फर्स्ट फैक्टर है वह है एटॉमिक रेडियस। देखो यह है तुम्हारा एटम है ना, और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, और यह है तुम्हारा रेडियस आर, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को देखो और इस न्यूक्लियर चार्ज को देखो, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज के बीच में, जेप और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स है कि नहीं, है ना, अट्रैक्शन हो रहा है। अगर तुम साइज बढ़ा देते हो, जो आर है आर को इंक्रीज कर दो, आर को अगर तुम इंक्रीज कर दोगे है ना, तो क्या अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया ज्यादा हो जाएगा बताओ। अगर तुमने आर को इंक्रीज कर दिया, मानो यहां तुमने साइज बढ़ा दिया, ठीक है, तो अब जो अट्रैक्टिव फोर्स है डिक्रीज जाएगा कि नहीं, यस सर, डिक्रीज हो जाएगा सर, यस, है ना। इसका मतलब कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे बेटा, अगर तुम साइज कम अगर है, तो अगर साइज कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा कि नहीं बेटा, यस सर, ज्यादा है ना। अगर साइज छोटा है, और अगर साइज बड़ा है, रेडियस ज्यादा बड़ा है, तो ये इजी होगा बेटा इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, है ना, मतलब जितना ज्यादा तुम रेडियस बढ़ाते जाओगे उतना इजीनेस बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहे हो और कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इजी इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब तुम्हें ज्यादा एनर्जी नहीं सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम रेडियस को बढ़ाओगे तो एनर्जी कम लगेगा, मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगा, है कि नहीं, जितना तुम साइज बढ़ाओगे कम एनर्जी यूटिलाइज होगा। अगर साइज कम है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी डोनेट करना पड़ेगा। साइज कम, एनर्जी ज्यादा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस, यहां से आता है, ठीक है। तो जितना छोटा रेडियस होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। समझ में आ गया बेटा ये पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है, yes, तो तुम्हें केवल याद रखना है आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। सेकंड पॉइंट को देखो, तो सेकंड पॉइंट लिखा गया यहां पर, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, तो जितना ज्यादा जेप वैल्यू होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना बेटा। देखो जेप वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है कि नहीं, ये रेडियस तुम्हारा है, तो अगर जेप वैल्यू तुम बढ़ा दोगे तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, है ना, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं वाला पॉइंट बेटा, जितना ज्यादा जेप वैल्यू होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, ओके, समझ में आ रहा है ना, थर्ड देते हैं आप, एक बार और समझ लो बेटा, है ना, एक बार और समझ लो इसको। देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, देखो बेटा जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, है ना, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतना एनर्जी लगेगा, उसे तुम बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, यस सर, तो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा कि नहीं बेटा, यस सर, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, ओके,
समझ में आ रहा बेटा? जितना ज्यादा एनर्जी लगेगा उतना ज्यादा एनर्जी पोटेंशियल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा जेट होगा इतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा एनर्जी पोटेंशियल। तुम्हें क्या याद रखना है, एनर्जी पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो जो एनर्जन एनर्जी है ना, अगर तुम स्क्रीनिंग बढ़ा दोगे, यहाँ पर बीच में तुमने स्क्रीनिंग बढ़ा दिया, तो क्या होगा बेटा, स्क्रीनिंग बढ़ाने पर जो जेप वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाता है कि नहीं? अगर तुम सिग्मा को बढ़ाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, कम होगा ना। सिग्मा को बढ़ाओगे, स्क्रीनिंग को बढ़ाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो एनर्जी पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो सिग्मा को बढ़ाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, है ना? तो यार बेटा, ऑन इंक्रीजिंग द सिग्मा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज एंड हेंस एनर्जी पोटेंशियल इज ऑल्सो डिक्रीजेज। मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाने पर एनर्जी पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इनवर्सली रिलेशनशिप होगा यहाँ पर, नोट कर लो। ठीक है, यस सर, यस सर। थर्ड समझ में आ गया। फोर्थ देखो, है ना, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तुम निकाल रहे हो? मान लो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, तो एस याद रखो बेटा, जो ऑर्बिटल्स है ना, जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, ये एस ऑर्बिटल है। ठीक है, एस ऑर्बिटल। और जो पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल जो डंबल वाला ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल है ना, ये न्यूक्लियस से दूर होता है। अगर तुम बात करोगे डी ऑर्बिटल का, तो डी ऑर्बिटल डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज मतलब और दूर होगा। ठीक है, डी ऑर्बिटल ये है डबल डंबल वाला। ठीक है, और जो एफ ऑर्बिटल है वो और दूर होगा। तो सबसे पास क्या है बेटा, कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल, न्यूक्लियस के पास एस ऑर्बिटल है, फिर पी ऑर्बिटल, फिर डी ऑर्बिटल, है ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा उतना कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में है तो अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम होगा ना? यस सर, यस सर। और अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। तो एस ऑर्बिटल में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, है ना? टू रिमूव दिस एस इलेक्ट्रॉन वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल में एनर्जी ज्यादा होगा, पी ऑर्बिटल में कम होगा, डी ऑर्बिटल में और कम, एफ ऑर्बिटल में सबसे कम एनर्जी होता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये बात? ओके, नोट कर लो, ये ऑर्डर है एनर्जी का। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर होगा? एस ऑर्बिटल में, फिर पी में। सबसे कम एनर्जी कहाँ लगेगा? सबसे कम एनर्जी होगा एफ ऑर्बिटल का। फिफ्थ देखो, यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट दिया गया है ना, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। तो ये मालूम है कि अगर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है ना? अगर हाफ फिल्ड हो, मान लो, है ना, इसे 1, 2, 3 तीन इलेक्ट्रॉन हो, ये क्या होगा बेटा, हाफ फिल्ड है ना? और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा बेटा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। ठीक है, ये फुली फील्ड है या फुल फील्ड है? ठीक है, तो अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल है, सब सेल है, तो ये स्टेबल होते हैं। तो हाफ फील्ड से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो स्टेबल था बेटा, तो स्टेबल में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, ये फुली फील्ड ऑर्बिटल है, ये स्टेबल है। ठीक है, फुली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टेबल होते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, है ना, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी और सप्लाई करना, मतलब और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा।
तो जितना ज्यादा है ना, अगर फुली फिल्ड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, सर क्यों स्टेबिलिटी समझ में आगे? ये बताया था बेटा बोर ऑर्बिटल में है ना, अगर फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होता है स्टेबिलिटी तक, ठीक है, मतलब उसमें ज्यादा क्यों लगेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल? स्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब स्टेबल है, तो क्या स्टेबल सिस्टम इलेक्ट्रॉन निकालने देगा इजीली? मान लो तुम स्टेबल हो, तुम मजबूत हो, ठीक है, तुम्हारे जेब में 2 रुपए पड़े हुए हैं, तो क्या कोई इजीली 2 रुपए निकाल पाएगा? नहीं ना। सही है सर, आ गया समझ। आगे देखते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया गया है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लीटली डिफिकल्ट फ्रॉम द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो देखोगे तो ये जो 2px pyp मतलब 3p ऑर्बिटल है यहाँ पर, है ना, px हो गया, ये py हो गया, pz हो गया, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हो गया बेटा, हाफ फील्ड है। ठीक है, हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता है। ओके, और अगर कम्प्लीटली फील्ड से इनर्ट गैसेस हो गए, इनर्ट गैस कम्प्लीटली फील्ड होता है, इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो और भी डिफिकल्ट होगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालना। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, आगे चलते हैं, पीरियडिसिटी इन आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो पीरियडिसिटी हम लोग देखेंगे, तो पहला जो पीरियडिसिटी है वो है अलोंग द पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये होता है अलोंग द पीरियड। अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे है ना, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो जेप वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, देखो यहाँ पर, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर क्या लिखा तुमने, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेप वैल्यू, है ना, ये लिखा है ना, इसका मतलब कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो याद रखो, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो आई ई वैल्यू है वो इंक्रीज होता है जनरली, कुछ एक्सेप्शन एक्सेप्शन में बताऊंगा, ठीक है, जनरली तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। ओके बेटा, ये समझ में आ गया सबको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखो, इन ए ग्रुप ग्रुप में तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है, टॉप टू बॉटम आ रहे हो ग्रुप में, मतलब टॉप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो साइज क्या होगा बेटा एटम का, साइज इंक्रीज होगा ना टॉप टू बॉटम जाओगे तो, मतलब जो रेडियस है रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना, अगर रेडियस इंक्रीज जाएगा एटम का तो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल ले जाओगे, है कि नहीं, जितना तुम रेडियस बढ़ाओगे साइज बढ़ाओगे उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, इसका मतलब साइज इंक्रीज करने पर है ना, साइज इंक्रीज करने पर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। ठीक है, यस सर, दिख रहा होगा यहाँ पर लिथियम टू सीजियम, और लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ऊपर से नीचे आ रहे हो तो जो आयनाइजेशन एनर्जी वो भी डिक्रीज हो रहा है। आगे यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं, है ना, तो अब देखो बेटा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें बताना है, यहाँ पर क्या बताना बेटा, यहाँ पर तुम्हें बताना है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर किसका ज्यादा किसका कम है। ठीक है, तो जनरल ट्रेंड क्या बनता है, जनरल ट्रेंड क्या है बेटा, ये तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ये क्या बेटा, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन, ये सब सेम पीरियड के एलिमेंट, देखो लिथियम बेरिलियम
बोरान कार्बन दिख रहा है बेटा मेरा यहाँ पर हाथ दिख रहा होगा यहाँ पर पंजा ठीक है बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तो ये सेम ग्रुप के हैं सेम पीरियड सॉरी लिथियम बेरिलियम सब क्या बेटा सेम पीरियड के हैं तो अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट राइट जाने पर आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होता है इस तरह से इंक्रीज होता है ना ये मैंने बताया था आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होता है ओके लेकिन मैंने बताया था कि जहां पर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए उस सब्सटेंस का आयनेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा तो अगर तुम हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का देखोगे तो यहाँ पर जो बेरिलियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s2 2s2 तो यहाँ पर जो s ऑर्बिटल है वो भी फुली फिल्ड है और जो 2s ऑर्बिटल है ये भी कंप्लीटली फिल्ड है ना तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगा क्योंकि ये फुली फिल्ड है तो अब क्या होगा बेटा इसका आयनेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा होता है ठीक है जो बेरिलियम है बेरिलियम का आयनेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा हो जाता है तो इसको इस तरह से लिखोगे बेरिलियम का आयनेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा है उसके बाद नाइट्रोजन का देखो नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p3 ठीक है 1s2 2s2 2p3 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है जो p ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड है देखो हाफ फील्ड तो हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है तो हाफ फील्ड के केस में आयनेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा इसका मतलब नाइट्रोजन का आयनेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा तो जहां पर हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए ठीक है जहां पर हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए वहां पर है ना आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होगा तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा इस तरह मैंने बताया ऑर्डर क्या होगा बेटा लिथियम लिथियम के बाद क्या होगा बेटा लिथियम के बाद आएगा बोरान बोरान के बाद क्या आएगा बेटा बेरिलियम उसके बाद क्या आएगा ठीक है मतलब इसको इंटरचेंज कर दो इस तरह से ठीक है जहां पर बेरिलियम था वहां बोरान आ गया जहां पर बोरान था वहां बेरिलियम इस तरह से यहां पर देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को इंटरचेंज कर दो ठीक है उसके बाद कार्बन आ जाएगा कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ गया नाइट्रोजन जगह पर अगेन नाइट्रोजन आफ्टर देन फ्लोरीन तो ये है ऑर्डर ऑफ आयनेशन पोटेंशियल इसको याद कर लेना ठीक है क्योंकि ये कई बार पूछता है तो याद रखो बेरिलियम और नाइट्रोजन में क्या है बेटा हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया सबको ये चीजें यस सर ओके तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं थर्ड पीरियड एलिमेंट का ठीक है जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है उसमें है सोडियम ठीक है सोडियम के बाद है मैग्नीशियम अल्मोनियम अल्मोनियम के बाद आएगा सिलिकन सिलिकन के बाद है फास्फोरस ठीक है तो सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम सिलिकन फास्फोरस क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एक छूट गया यहाँ पर कोई एलिमेंट ट्रिपल क्या छूट गया बेटा हाँ सल्फर मिस हो गया तो सल्फर फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ये सल्फर है इसके बाद क्लोरीन ठीक है तो ये तुम्हारा लेफ्ट टू राइट है मैं देख लेता हूँ यहाँ पर दोबारा देखो ये हो गया सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम सिलिकन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ठीक है तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो यहाँ पर भी है ना जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड है ठीक है मैग्नीशियम का एक मिनट है ना और यहाँ पर जो फास्फोरस है तो मैग्नीशियम यहाँ पर फुली फील्ड है ना और फास्फोरस यहाँ पर नाइट्रोजन नीचे है और बेरिलियम नीचे यहाँ पर मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम फुली फील्ड है नाइट्रोजन नीचे फास्फोरस ये भी क्या होगा बेटा ये होगा हाफ फील्ड तो यहाँ पर भी ऑर्डर वही आएगा जो ऊपर वाला ऑर्डर था वो ऑर्डर यहाँ पर आएगा अगर तुम इसको अरेंज करोगे तो कुछ इस तरह से अरेंज होगा ठीक है सोडियम सोडियम के बाद आएगा अल्मोनियम आफ्टर देन मैग्नीशियम आफ्टर देन सिलिकन आफ्टर देन सल्फर आफ्टर देन फास्फोरस एंड देन उसके बाद क्या होगा बेटा फ्लोरीन आएगा ठीक है
तो इसको भी नोट कर लोगे, ये तो नोट कर लो। नोट कर लिया दोनों एग्जांपल? यस सर। तो आगे हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में जो एनर्जी रिलीज होगा उसे तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। तो यहां पर देखो इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। देखो इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, इलेक्ट्रॉन को अगर तुम निकालोगे एटम से तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए यहां पर लिखा है एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज When an electron is added to the outermost shell of one mole of an isolated gaseous atom in its lower energy state is called electron affinity. तो सब कुछ यहाँ पर वही है जो Anderson potential तुमने पढ़ा था, सब चीजें वही पर वही पूरा का पूरा लिया गया है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन देखो है यहाँ पर, है ना। तो ये अगर तुम्हारा आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम, ठीक है, यहां पर तुमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे तो यहां पर एनर्जी रिलीज होगा, जो एनर्जी रिलीज होता है उसी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इसी को कभी कभी बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं लिख दे रहा हूं इसी को क्या बोला था बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को तुम पा रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर एटम के पास आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। ओके बेटा, एक मिनट पर चला गया। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो अब देखो ये तुम्हारा एटम है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर ऐड करा दो, इलेक्ट्रॉन इस आउटर सेल में ऐड हो जाएगा, जो एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज होता है बेटा, अगर किसी रिएक्शन में है ना एक गिब्स प्रोडक्ट और एनर्जी यहां पर रिलीज हो रहा है, अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक? याद है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है क्लास टेंथ का? एनर्जी रिलीज होती है जिसमें। हाँ, तो जो रिएक्शन है, रिएक्शन दो टाइप का होता है, रिएक्शन है ना, रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिएक्शन दो टाइप का हो सकता है, एक होगा तुम्हारा एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक, दूसरा क्या होगा बेटा, इंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होगा, जो एनर्जी है वो रिलीज होगा, ठीक है, एनर्जी यहां पर रिलीज होगा, और यहां पर एनर्जी क्या होगा बेटा एंडोथर्मिक में, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो इंडोथर्मिक, अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक। तो जो आयनेशन एनर्जी है, आयनेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है बताओ? आयनेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर इंडोथर्मिक, वहां एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है? अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना तो एनर्जी देते हो ना? यस सर, एंडोथर्मिक, एनर्जी देना पड़ता है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो इंडोथर्मिक। तो आयनेशन रिएक्शन जो है, आयनेशन रिएक्शन वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इलेक्ट्रॉन गेन का जो रिएक्शन है, आप जो रिटर्न एब्जॉर्ब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन का जो रिएक्शन क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक,
तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक, ओके। तो याद रखो बेटा, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हो, पहला इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो होगा एक्सोथर्मिक, लेकिन जब तुम सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एटम पर ऐड हो चुका है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एटम पर, देखो यहां पर ऐड हो चुका है यहां पर इलेक्ट्रॉन, है ना, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हो, तो यहां पर एनर्जी सप्लाइड लिखा हुआ है, एनर्जी सप्लाइड मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, ऐसा क्यों, कोई बताएगा, अगर अनायन में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे तो एनर्जी सप्लाइड क्यों लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन तब चलेगा जब उसे एनर्जी देंगे। देखो बेटा, यहां पर पहले से ये अनायनिक है, अनायन है, और इस अनायन में तुम इलेक्ट्रॉन को और ऐड करा रहे हो, तो सेम चार्ज रिपल्सन नहीं होगा, सेम चार्ज रिपल्सन, यस सर, होगा ना, इसका मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना ज्यादा डिफिकल्ट है, इस डिफिकल्ट प्रोसेस को इजी करने के लिए तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा इंडोथर्मिक, है ना, इंडोथर्मिक। तो याद रखो, जो फर्स्ट ऐसा एनर्जी है, जो फर्स्ट ऐसा एनर्जी है वो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो एक्सोथर्मिक होता है, सेकंड इंडोथर्मिक, ठीक है। आ जाओ यहां पर, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टी, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अगर साइज इंक्रीज करोगे, अगर एटम का साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्टिव अट्रैक्शन बेटा डिक्रीज जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन दूर है, है ना, तो दूर से इलेक्ट्रॉन तो ऐड नहीं हो पाएगा, इसको पास आना पड़ेगा, अगर साइज बढ़ गया एटम का, तो ये जो एटम है वो उतना इजीली इस इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करा पाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर साइज छोटा है, अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा। अगर साइज बड़ा हो गया, एंड अगर साइज बड़ा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया, ठीक है। तो समझ आ रहा है बेटा, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सबको, पहला समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताओ। समझ नहीं आ रहा बेटा, यहाँ पर प्लस माइनस देखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, तो प्लस माइनस को देखो बेटा, अगर साइज बढ़ा दोगे, साइज बढ़ा दोगे तो क्या होगा, सर आगे अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, कम आगे सर आ गया, तो प्लस माइनस देखो बेटा, सब समझ आएगा, प्लस माइनस तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है सर, प्लस माइनस आगे देखो, यहाँ पर सेकंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, अगर तुम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा दोगे, यहाँ बताओ प्लस माइनस समझ के बताओ, यहाँ पर जेप, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर तुमने इसको बढ़ा दिया, जेप को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, जेप को इंक्रीज करोगे, है ना, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होगा कि नहीं बेटा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा प्लस चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, बोलो यस, जेफ को बढ़ाने से था, बोलो यस सर, हाँ, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना बेटा, और जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, है ना, यस सर, इसका मतलब हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हायर विल बी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर तुम यहाँ पर स्क्रीन लगा दोगे बीच में, तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा कि नहीं बेटा, यस सर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। अगर हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है,
मान लो ये हाफ पेज है, चलो मैं कम्प्लीटली फिल ले रहा हूँ, चलो हाफ फिल लेते हैं, कैसे रिटर्न करोगे, ये हाफ फील्ड है ना, तो हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है बेटा हाफ फील्ड का, तो अब ये पहले से स्टेबल है, अगर तुम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर दोगे है ना, तो देखो क्या ये हाफ फील्ड है अब, नहीं ना, ये हाफ फील्ड ज्यादा हो गया, हाफ फील्ड तो नहीं एग्जैक्टली हाफ फील्ड, इसका मतलब कि अब जो स्टेप है ना, जो इलेक्ट्रॉन की एन्थैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो कम हो जाएगा, अगर हाफ फील्ड या फुली फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रॉन इजिली एड नहीं होगा क्योंकि स्टेबल होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डिक्रीजेस, क्योंकि हाफ फील्ड फुली फील्ड पहले से ही स्टेबल है, और स्टेबल सिस्टम अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन एड कराकर, इसलिए अनसर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा, तो समझ में आ गया बेटा, ये फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस को देख लो, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं, ठीक है, तो पीरियडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो पीरियडिसिटी देखो, अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो किसी भी पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाओगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, इफेक्टिव जो जेफ वैल्यू है वो इंक्रीज होता है, अगर जेफ वैल्यू इंक्रीज होगा, प्लस माइनस इंक्रीज करोगे यहाँ पर चार्ज ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर से देखो है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जेफ वैल्यू इंक्रीज होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि नहीं होगा बेटा, जितना ज्यादा जेप वैल्यू उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, यस नो, यस सर, हाँ, तो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा बेटा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट जाने पर, और जो ग्रुप है बेटा, ग्रुप में अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ठीक है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे है ना, तो क्या होगा बेटा, जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है, इस तरह से नया नया सेलेक्ट होगा, साइज बढ़ता चला जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज होता चला जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस 73 है, 60 हो गया, 53 हो गया, 48 हो गया, 47, 46, मतलब ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, समझ आ रहा है बेटा, तो अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे जो एनर्जी है एनर्जी कम होता चला जाएगा, ओके, समझ में आ गया सबको, यस सर, ओके, तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, तो जो एक्सेप्शन देख ले यहाँ पर एक्सेप्शन बेटा, अगर तुम टॉप टू बॉटम जाते हो जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा है ना, इसका मतलब इन चारों में तुम देखोगे तो आयोडीन का सबसे कम होगा और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन तुम देखोगे इस ग्रुप में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में है ना, इसमें क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, देखो दिख रहा है यहाँ पर -349 दिख रहा है बेटा, बोलो यस बेटा, देख देखने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पर, बोलो यस सर, -349, तो सबसे ज्यादा किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा, क्लोरीन का, याद रखो अपने ग्रुप में क्लोरीन का फ्लोरीन से भी ज्यादा होता है, मतलब है ना, जो सेकेंड पीरियड जो क्लोरीन है, अगर तुम क्लोरीन और फ्लोरीन को कंपेयर करोगे है ना, तो उसको इंटरचेंज कर दो, तो क्लोरीन क्लोरीन को इंटरचेंज कर दो, इस तरह से आ जाएगा, उसी तरह से जहां आप देखो है ना, अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो डिक्रीज होना चाहिए, इसका मतलब ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन का, लेकिन ऐसा नहीं है, सल्फर का देखो -200
और ऑक्सीजन क्या बेटा, ऑक्सीजन का देखो -141, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर करोगे तो सल्फर का ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसको नोट कर लो, सबसे यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर ज्यादा होगा, क्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये दो सबसे नोट कर लो, नोट कर लिया? यस सर। ये नेगेटिव वाला बेटा, ग्रुप जीरो कौन नेगेटिव वाला? नहीं सर, मतलब जैसे नेगेटिव में जो ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है ना, इसमें नेगेटिव साइन का मतलब? नहीं नहीं, यहाँ पर नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है। नेगेटिव मतलब क्या हुआ बेटा? नेगेटिव मतलब इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर से डायरेक्शन होता है बेटा, जिस डायरेक्शन प्लस माइनस होता है डायरेक्शन सर, उसी तरह से यहाँ पर एंथैल्पी अगर नेगेटिव मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, अगर प्लस है, प्लस का मतलब क्या हुआ बेटा? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो जो इनर्ट गैसेस है यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, प्लस 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 लिखा हुआ है। yes, यहाँ पर सब में माइनस 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 लिखा हुआ है, ठीक है। तो माइनस का मतलब क्या हो बेटा? एनर्जी एब्जॉर्ब सॉरी रिलीज हुआ, ठीक है। जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव मतलब, नेगेटिव मतलब इंडोथर्म सॉरी एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। और अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो बेटा? ये इंडोथर्मिक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। एक रिप्रेजेंटेशन है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। एक्सोथर्मिक के लिए हम लोग डेल्टा एच नेगेटिव लेते हैं और इंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव लेते हैं। तो डेल्टा एच दिया गया यहाँ पर, ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, डेल्टा लिखा हुआ इस तरह से ईजी और एच, इसका मतलब हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। एच का मतलब होता है एंथैल्पी, जो आगे थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जाएगा। तो प्लस का मतलब क्या बेटा? जो इनर्ट गैसेस यहाँ प्लस लिखा हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि इनर्ट गैस पहले से ही स्टेबल है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पर तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करा पाओगे, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। ओके, समझ में आएगा सबको? यस सर, यस। चलो आगे चलते हैं, लास्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लास्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इट मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए और बी, मान लेते हैं यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ए और बी के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आता है बेटा? क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है तुमने। तो अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ने शेयर किया, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, ठीक है। तो अब होना क्या चाहिए बेटा? जो इलेक्ट्रॉन है ए और बी के बीच होना चाहिए, मिड वे में होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ए और बी के बीच में होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है ए और बी में से, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ए अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ए के ज्यादा करीब रहेगा, बी से थोड़ा सा दूर रहेगा, या फिर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन बी के थोड़ा सा करीब रहेगा और ए से ज्यादा दूर रहेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक केस होता है, तो इसको बोलते हैं अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कौन सा पेयर है बेटा? शेयर्ड पेयर है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, शेयर्ड पेयर इसको बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इट मे बी डिफाइंड द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, जो बी मान लेते ये वाला केस हो रहा है, ए वाला, है ना। तो ए क्या करा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, खींच लिया,
खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो टेंडेंसी है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जो टेंडेंसी है, जो नेचर है ना, कुछ का नेचर खराब होता है लोगों का, है कि नहीं बेटा? कुछ लोगों का नेचर अच्छा होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी नेचर होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, सॉरी एटम का भी नेचर होता है एलिमेंट का, तो एलिमेंट क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। मान लो ए ने इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट किया बी से, तो ए क्या बोलोगे बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। और उसी बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, जो प्रॉपर्टी है, जो टेंडेंसी है, इसी प्रॉपर्टी या टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ओके बेटा, सर समझ में आ गए सब चीजें? बोलो। सर इसके अंदर जब शेयरिंग होती है तो फिर वो अपने तरफ अट्रैक्ट क्यों, मतलब वो तो शेयर क्यों? हाँ बता रहा हूँ यहाँ पर, रिजन बता रहा हूँ यहाँ पर। इतना समझ में आ गया ना ये सब चीजें, टेंडेंसी समझ में आ गया? यस सर, वो तो आ गया। हाँ तो अब यहाँ देखो, यहाँ फैक्टर क्या है, फैक्टर समझ में आ जाएगा। पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो अब देखो ए और बी है ना, अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसको तुम बोलोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, अगर तुम साइज को बढ़ा दोगे, अगर एटम का साइज बढ़ जाएगा है ना, तो साइज अगर बढ़ गया तो जो अट्रैक्टिव फोर्स तो कम हो जाएगा कि नहीं सर? हो जाएगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगा। मान लेते हैं दूसरा एटम बी है, बी का साइज छोटा है ना, तो न्यूक्लियस पास में होगा इसका बी का। यस सर आ गया सर। बी का न्यूक्लियस पास में होगा तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ए से, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है बी के ज्यादा करीब रहेगा, ए से दूर रहेगा, ठीक है। yes, तो ये है एटॉमिक रेडियस, जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगा। समझ में आएगा बेटा प्लस माइनस से? तो बस यहाँ पर प्लस माइनस देखना तुम्हें पूरे केमिस्ट्री में। आगे देखो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो जितना चार्ज होगा उतना अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, है ना। जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव पावर होगा कि नहीं होगा बेटा, बताओ? यस सर। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लेते हैं एक एटम के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या बेटा प्लस वन। दूसरा एटम बेटा उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बेटा, ये वन सेट क्या हो गया टू हो जाएगा। और तीसरा एटम यहाँ पर थ्री प्लस है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री प्लस है। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? ए प्लस, ए टू प्लस, ए थ्री प्लस, इन तीनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? प्लस माइनस देखो बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है इन तीनों को, कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? जहां पर पॉजिटिव ज्यादा हो, है ना, जहां पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? समझ में? हाँ बोलो। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है हाइब्रिडाइजेशन, इसको फिलहाल के लिए तुम याद रखो, है ना। तो जितना ज्यादा परसेंट एस करेक्टर होगा, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में इसको। चलो अब नेक्स्ट क्लास में चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा चीज ज्यादा है तो इसको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा आगे। तो यहां से नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे बेटा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग होगा, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे बेटा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड। तो नेक्स्ट क्लास में पहले इसको फिनिश किया जाएगा, फिनिश करने के बाद आयनिक बॉन्ड चलेगा। ओके यस सर। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड। कुछ लोग मैसेज किए हैं, मैं पढ़ लूंगा अभी।